बाराबंकी में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ में सामने आई है। लखनऊ से रोडवेज में आने वाले युवक की बस से उतरने के दौरान मुख्य चौराहे पर कुचलकर हालत गंभीर होने के बाद काफी देर रोड पर पड़ा रहा और जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। लोग अपने वाहनों से फर्राटे भरकर निकलते रहे, लेकिन मदद के लिए लोग आगे नहीं आए। एक टीवी चैनल के पत्रकार की नजर उस पर पड़ी। पत्रकार ने यूपी पुलिस हैदरगढ़ के जवानों को बुलाकर तत्काल ई रिक्शा से युवक को इलाज के लिए भिजवाया। यूपी पुलिस के इन दोनों जवानों ने खून से लथपथ युवक को उठाकर स्ट्रेचर से लेकर एम्बुलेंस से बड़ी मशक्कत के बाद पहुंचाया। ई रिक्शा पर जिंदगी और मौत से जूझ रहे युवक को जब हैदरगढ़ सीएससी पर ले जाया गया तो वहां पर हॉटस्पॉट के चलते अस्पताल बंद था। अन्य अस्पताल ले जाने के लिए 108, 112 की अनगिनत एम्बुलेंस खड़ी थी, मगर कोई भी ले जाने को तैयार नहीं हुए। जॉइंट मजिस्ट्रेट हैदरगढ़ को भी मदद के लिए फोन किया गया, मगर किसी प्रकार की मदद नहीं मिली। यूपी पुलिस के दोनों जवानों ने कड़ी मशक्कत कर किसी तरह काफी देर बाद एक एम्बुलेंस चालक को तैयार कर इलाज के लिए लेकर निकले। नवबारा समाचार बाराबंकी से जितेंद्र शुक्ला।